हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल टेक्निकल टिप्स चैनल को। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। जो इंजन में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि बेसिकली हमारे जो नॉर्मल इंजन होता है उसमें हमारे इंजन होता है, इंजन के साथ अल्टरनेटर एंड स्टार्टर मोटर जुड़ा हुआ होता है। स्टार्टर मोटर इंजन को स्टार्ट करने की में हेल्प करता है और अल्टरनेटर हमारी बैटरी को चार्ज करने में हेल्प करता है। लेकिन हाइब्रिड इंजन में ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं, इनकी जगह पर लगा होता है ISG। ISG का मतलब होता है इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। तो बेसिकली ये काम इंजन से बेल्ट ड्राइव के थ्रू जुड़ा हुआ होता है और ये काम क्या करता है कि ज़रूरत पड़ने पे एज ए मोटर इंजन को सपोर्ट करता है और ज़रूरत ना होने पर ये इंजन में जो बैटरीज कार में जो बैटरीज हैं उनको चार्ज कर, इसको कमांड देता है ECU यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट। तो जैसे ही हम सडन एक्सीलरेट करते हैं तो क्या होता है कि ये ECU इसको कमांड दे देता है कि यहाँ पे इंजन को हेल्प की ज़रूरत है, तो वो एज ए मोटर इंजन को सपोर्ट करने लगता है जिससे कि इंजन पे जो लोड है वो कम हो जाता है, दो जगह डिवाइड हो जाता है, कुछ मोटर पे चला जाता है और कुछ इंजन पे चला जाता है। इससे होता क्या है कि इंजन को हमारे पावर अच्छी मिलती है, प्लस इंजन पे लोड ना पड़ने की वजह से उसका माइलेज भी इंक्रीज हो जाता है। और जब हम सडन एक्सीलरेशन नहीं करते हैं तो वो नॉर्मल इंजन एक फ्लो में चलता है, तो वो एज ए अल्टरनेटर काम करता है यानी कि जनरेटर काम करता है और जो बैटरी होती है उसको चार्ज करने का काम करता है। इसमें दो बैटरी होती है, एक हमारी नॉर्मल बैटरी जो हम कार में यूज करते हैं और दूसरी एक लिथियम आयन बैटरी होती है जो अलग से जुड़ी हुई होती है इस सिस्टम से। तो ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, ये इस तरह से काम करती है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम ही लोग कर रहे हैं। मेरे पूरे चैनल पे 92% लोग जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ओनली 8% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।